नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस स्पोर्ट्स पर। मैं हूं आपका दोस्त नवीन चौहान। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा T20 मैच चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। पहला मैच रोमांचक था, लेकिन इस रोमांचक मैच में टीम इंडिया की हार हो गई। अब दूसरा मैच टीम इंडिया जीत कर सीरीज में बराबरी करना चाहेगी और इस सीरीज को हारने से बचेगी। ऐसे में क्या रहेगी प्लेइंग 11, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ओपनर्स की बात कर लेते हैं। पिछले काफी मैचों से खराब फॉर्म में चल रहे लोकेश राहुल को जब पहले मैच में रोहित के साथ ओपनिंग करने का मौका मिला, तब उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। राहुल ने 36 गेंदों में 50 रन की पारी खेली। इस मैच में धवन को आराम दिया गया था, लेकिन अब इस अहम मैच में देखना होगा कि रोहित के साथ पारी का आगाज राहुल करते हैं या फिर एक बार फिर धवन को वापसी बुलाया जाएगा। वहीं मध्यक्रम के बल्लेबाज ऋषभ पंत ने पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन शायद उन पर कप्तान अपना विश्वास बनाए रखेंगे और उन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिल जाएगा। अगला सवाल, क्या दिनेश कार्तिक को मौका मिलेगा? भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने पिछले मैच में बेहद ही खराब प्रदर्शन किया। जब उनके पास मौका था तब कार्तिक कुछ नहीं कर पाए और वो फेल रहे। अब देखना होगा कि उन्हें भी प्लेइंग 11 में मौका मिलता है या फिर नहीं। वैसे तो T20 टीम का वो लगातार हिस्सा भी रहे हैं और खुद को साबित करने में लगे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि एक बार फिर से उनको मौका मिल सकता है। चलिए अब लब्बुल वाब आपको बताते हैं कि आखिरकार प्लेइंग 11 क्या है। सबसे पहले रोहित शर्मा और KL राहुल होंगे, उसके बाद विराट कोहली जो कप्तान है भारतीय टीम के, उसके बाद नंबर आता है ऋषभ पंत और शंकर का। तो यहाँ पर लगता है कि शंकर को मौका मिल सकता है। उसके बाद टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, फिर कार्तिक का नंबर आता है, उसके बाद कृणाल पांड्या का नंबर आता है। पिछले मैच में उमेश यादव ने कुछ अच्छा नहीं किया, तो यहाँ पर सिद्धार्थ कौल को बुलाया जा सकता है जो शानदार गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। चहल को मौका मिल सकता है, वहीं मार्कंडे भी टीम में रह सकते हैं और बुमराह भी। तो ये होगी प्लेइंग 11। देखना होगा कि टीम इंडिया इसी प्लेइंग 11 के साथ उतरती है या फिर कुछ बदलाव होंगे। अपनी राय जरूर दीजिए, साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हेडलाइंस स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर घंटी बजा दीजिए।